जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे फिर से टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। आप लोग तो परेशान हो गए होंगे वीडियो देखते देखते कि भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन नोटिफिकेशन रोज निकलता जा रहा है। तो आज जो खबर आई है हेडक्वार्टर से खबर आई है, जो कि हमारे सर बात कर रहे थे और बात करते करते उनसे क्या बताया गया कि भर्ती कब आएगी, और बहुत जल्द उन्होंने ऐसा बताया है, आईडियो भी लगा देंगे, आप लोग सुन लेना कि भर्ती कब आएगी। बहुत जल्द आ जाएगी, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो कि ग्राउंड है, ग्राउंड तैयार भी है और ग्राउंड तैयार भी नहीं है, क्योंकि वहां पे साफ सफाई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो खंभे गड़े रहते हैं, जो फ्लैग लगे रहते हैं, सारा चीज वहां पे कंप्लीट है। आप लोग आईडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। और अगर आईडियो अच्छी लगे, खबर अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे कोई अन्य अपडेट आ जाए तो आप लोगों को फौरन मिले, ठीक है ना। उन्होंने मुझे आईडियो भेजा है, तो ये सुन लीजिए आईडियो, आईडियो में क्या बताया गया है क्या नहीं बताया गया, ध्यान से सुनना। 5 मिनट की आईडियो है। उनके उनको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर भर्ती आई तो 10-15 दिन में ही आ जाए, 10-15 दिन तक ही टाइम मिलेगा, ऐसा बोल दिया है उन्होंने। ऐसा बोला है भाई, भर्ती आएगी तो 10-15 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल करा देंगे। हाँ, ऐसा ज्यादा टाइम नहीं देंगे वो इनका। अच्छा अच्छा, और भर्ती के लिए क्या बोला कि कब तक आ सकती है वो? आने का काम से कम अभी, कम से कम अभी 20-25 दिन है ना अगले आने वाले, इनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कंफर्म मतलब देखो भैया, अभी वो बता रही है, कंफर्म तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाया आज तक। सही बात है, लेकिन श्योरिटी तो दिखा रहे वो मुझे, उनका जिससे उनका बोलने का लैंग्वेज वो रहता है ना, बोलने का तरीका, उससे बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा था। और वो जो ग्राउंड है ना, उधर कोई लाइट लगाया नहीं, कोई बोल रहा था लाइट लगा दी है, वैसा कुछ नहीं है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो ट्रैक रहता है ना, ट्रैक को ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई लगता नहीं उधर, क्योंकि एक दिन में भी वो पूरा साफ हो जाएगा, ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है कि उधर साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो 2019-18 में था उधर, उसी जगह में भर्ती होने वाली है, मतलब होगी हुई तो उसी जगह पे होगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है उधर साफ सफाई करने वाला काम। नहीं, साफ सफाई वाला क्या है, कोई ARO की भर्ती थोड़ी है, अगर TA की भर्ती आएगी तो वो तो नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, बुला लेंगे, आ जाओ भाई, क्या है तुम्हारा, देख लो। उदाहरण के लिए मान के चले कि कल डाल दिया उन्होंने कि आपकी भर्ती मार्च में है, तो यार वो फौज जगह पुलिस वाले थोड़ी, उनको मशीनें लगानी पड़ेगी, कुछ सामान लगाना पड़ेगा, वो तो उनका क्या है, वो तो ग्राउंड में 50 फौजी आ जाएंगे, TA को 50 फौजी कर लेंगे, 1000 बंदे कवर कर लेंगे, 2000-3000 बंदे कवर कर लेंगे, वो तो एक दिन में ज्यादा कर लेते हो, तो फिर भी भर्ती देनी पड़ेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कुछ नहीं करेंगे, ग्राउंड के अंदर 400 मीटर का ग्राउंड बना हुआ है, बस 5-7 दिन में बांस लगा देंगे, बांस लगा के बाड़े बना देंगे, बाड़ों में डालना, बेस को दौड़ाना, एक बंदे को पकड़ा और बाकी के जाओ फ्री। और वो जो मैंने एक भी देखा उधर, वो जो रहते हैं ना पूर्व वालों का, एक्सलर वालों का, और जो हारते हैं उनको क्या बोलते हैं, लूजर, बाड़े बोलते हैं हमारे इधर बाड़े। हाँ, बारे बोलते होते, वैसा भी कप्पा 3 जगह पे लगाया था, उसको देखते हैं, मुझे लग रहा है कि भर्ती शायद आ भी सकती है, लेकिन वो उनकी जानकारी है जो गुप्त रखी जा सकती है इस बार। ऐसा तो बाड़े पुराने हैं या ताजा बनाए हुए हैं? अभी ताजा बनाए, मैंने पूरा देखा उधर। अच्छा, नया बोर्ड लगाया था उधर, बोर्ड वाला, एक्सलर वाला, ऐसा वैसा। और तो बांस वांस थोड़ी पड़े थे उधर, मतलब बांस वाला क्या रहता है, जो आते नहीं है क्या, जो बाड़े बनाने के लिए जो यूज में लेते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं उनको, बांस, जो पाइप बोलते हैं अपन, लकड़ी के पाइप नहीं आते क्या? हाँ, वो थोड़ी पड़े थे उधर? वो तो नहीं पड़े, लेकिन चार बाजू में जो ना उन्होंने डंडिया लगा रखी है, उनको ऐसे दोरी बांध के रखी है चार जगह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपनी जान में ना पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ, पूरी RTA भी लगवा दी, हेडक्वार्टर भी जाया, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही मिली है कि किसी के पास ऑफिशियली तरीके से कोई अपडेट नहीं है। वो तो बात है, वो किसी के पास नहीं है, लेकिन लोग, मैं लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ ना, फिर भी लोग मेरे को बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, उन बातों में नहीं आने का, छोड़ देने का, इधर से कान से सुनने का, इधर से हार देने का, वो उसके पीछे नहीं लगने का।
जो अच्छे है वो तो आपको आशीर्वाद अच्छा देंगे ना। नहीं बिल्कुल यही तो है ना यार, मैं अपने आगे अभी ये तेरा जो जानकारी तूने दी, अगर इसको मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ तो जैसे मान ले कि 15-20 दिन के अंदर भर्ती आ भी जाए तो किन्हीं ने किसी ना किसी को बेनिफिट तो मिलेगा ना भाई, तैयार और तैयारी बेटर कर लेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता है ना उससे। लेकिन लोगों को इस चीज़ का समझ भी नहीं आता, लोगों के साथ क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने मजाक, काफ़ी हद तक यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए लोगों ने उनके साथ काफ़ी मजाक कर लिया। किसी को लगता है अगर ये बता देगा इससे पहले भी हुआ है, वो तो अपन पे क्या कर सकते हैं, आप भी तो किसी को नहीं बताए, अपने को जो अभी क्लर्क है अपने जो जेई वाले सोचे वो भाई जो भी जितनी जानकारी देते हैं उसके तो अपन बताते हैं, ऐसा बातें उनको ऑफिशियल अभी किसी के पास नहीं है, वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो सुन लिए आप लोगों ने, कैसा लगा आइडियो, कब बताया गया, क्या बताया गया, सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा आप लोगों को आइडियो में मिल गया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो तैयारी जो कर रहे हैं तैयारी स्टार्ट कर देना, क्योंकि 15 मिनट का टाइम बताया गया है इसमें, कितना 15 दिन का टाइम बताया गया है, 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का, तैयारी अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना, ताकि अगर भर्ती आ सके, मैं कंफर्म नहीं कहता हूं क्योंकि ये चुपके चुपके बात किया जाता है, ठीक है ना, अगर पता चल जाए कि ट्रेनिंग पीरियड में या कोई ड्यूटी पीरियड में बात करता है और कोई खुफिया बताता है कि भर्ती कब आएगी, तो फिर उनको फौरन ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ देते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ने का मतलब पता है आप लोगों को, जिंदगी झंड हो जाती है, फिर से वही रंगरूटों के साथ ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो चुपके चुपके खबर देते हैं, ठीक है ना, ये जो खबर है ये मान लीजिए 70% सही है, 30% नहीं सही है, पूरा मैं 100% सही नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, ठीक है ना। और जिसका एज नहीं है, ग्रुप सी की वैकेंसी बहुत सारी आई है, एयर फोर्स का आया है जिसमें 18 से 52 साल उम्र दिया है, उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तो रनिंग अपना बरकरार रखिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फौजी भाई को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। आजकल चर्चे बहुत हो रहे हैं यूट्यूब फौजी भाई का, ना आप लोग सुने होंगे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर, ठीक है ना, फिजिकल एकेडमी वाले चर्चे कर रहे हैं कि ये जो वीडियो दे रहा है ये फेक है, टिरी 47 के साथ मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें भी बताया है। तो ये आपको अच्छा, आपको मोटिवेट दिलाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। घूम फिर के वही बात आती है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थककर ना बैठे के 47 के दीवाने, के 47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा, कि दुश्मनों को मारते मारते दिन गुजरे और एक दिन ऐसा सवेरा हो, कि दुश्मनों को मारते मारते दिन गुजरे और एक दिन ऐसा सवेरा हो, लाखों की भीड़ हो मेरे पीछे और तिरंगों में लिपटा हुआ जिस मेरा हो। तो मोटिवेट रहिए भाई, जिसे इंडियन आर्मी में जाना उसे कोई और नौकरी पसंद नहीं है, वरना वो भी जॉब कर सकता था, वो भी बिजनेस कर सकता था, लेकिन बस उसे वर्दी चाहिए, वर्दी का जुनून पैदा कर देंगे, वादा करता हूं आप लोगों से, हर एक घर से एक बच्चा फौजी फौजी बना के अगर नहीं छोड़ा ना तो नाम बदल देना मेरा। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।